Swayam Prabha, Digital India, Educated India. एम प्रभा में आपका स्वागत है आज कंपनी विधि के व्याख्यान नंबर सात के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कंपनी की सभाओं एवं प्रस्तावों के बारे में विस्तार से समझाएंगे अब पिछले जो लेक्चर छः था उसमें जो है डायरेक्टर के बारे में या उनका कंपनी का कैसे मैनेजमेंट होता है उसके बारे में बताया था जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि कंपनी का कोई एक अस्तित्व नहीं होता कंपनी जो है एक विधिक पर्सन होती है या लीगल पर्सनालिटी है तो या कॉपरेट पर्सनालिटी होती है और उसका कोई ऐसा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता तो उसके संचालन के लिए कुछ पर्सनस की ज़रूरत पड़ती है वो भी नेचुरल पर्सनस हों जब जो है वो कंपनी का सही रूप से संचालन कर सकते हैं तो उसके बारे में हमने डिस्कस करा था कि इसके लिए कोई संचालक मैनेजर डायरेक्टर प्रमोटर्स तो इनके द्वारा जो है वो कंपनी संचालित की जाती है और इनके बारे में हमने इनके क्या राइट्स हैं क्या परिभाषाएं हैं क्या विशेषताएं हैं कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं जैसे एग्जीक्यूटिंग डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर्स फुल टाइम डायरेक्टर्स पार्ट टाइम डायरेक्टर्स इत्यादि जो है हमने डिस्कस करे थे इसके अलावा हमने उनकी विशेषताएं बताई थी कि क्या विशेषताएं होंगी डायरेक्टर कैसे अपॉइंटमेंट होंगे जैसे हमने बताया था प्रीवियस उसमें है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है एक डायरेक्टर्स के लिए अपॉइंट होने के लिए होगी और हर एक ऐसा व्यक्ति जो कांटेक्ट करने के लिए उपयुक्त हो वो डायरेक्टर होने के लिए एलिजिबल है या डायरेक्टर नियुक्त होने के लिए एलिजिबल है इसके अलावा भी हमने कुछ उनके दायित्व और अधिकारों के बारे में बताया था कि वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बहुत सारे कम फंड रेज कर सकते हैं प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं और उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं साइन कर सकते हैं तो ये कुछ उनके अधिकारों के बारे में और दायित्वों के बारे में हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस करा था और इनके अलावा कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करा था जो डायरेक्टर्स के राइट्स के बारे में बताते हैं अब आज जो है हम कंपनी लॉ की सभाएँ और प्रस्ताव के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपनी की सभाएँ क्या हैं और कैसे उनमें रेजोल्यूशन्स पास होते हैं तो इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से हम कंपनी की सभाएँ क्या हैं उसकी परिचय परिभाषाएँ मीनिंग कम उसकी सभा के प्रकार वैधानिक सभा को ना बुलाने के क्या परिणाम होंगे वार्षिक व्यापक सभा क्या है साधारण सभा क्या है प्रस्ताव उनमें कैसे पारित किया जाता है या रेजोल्यूशन्स कैसे पास किया जाता है और सभा की कार्यवाहिक संख्या क्या होगी कोरम क्या होगा मीटिंग का उसके अलावा क्या उसके उद्देश्य हैं क्या महत्व है मीटिंग का तो इसके बारे में आज विस्तार से इस व्याख्यान में डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो है इसका एक इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं कि जैसे कि आम भाषा में आप लोगों ने भी सुन रखा होगा कि किसी चीज़ की मीटिंग होती है चाहे वो कोई स्कूल्स हो या कोई कॉलेज हो या कोई और ऐसी चीज़ हो जो हर एक आदमी जो है उसकी मीटिंग बुलाता है वैसी जो है सेम कंपनी की होती है कंपनी कि में किसी मैटर को डिस्कस करना हो या कोई रेजोल्यूशनस पास करना हो कोई ऐसा काम करना हो जो कंपनी के लिए जरूरी है तो वहाँ पर जो है एक मीटिंग का बुलाया जाना जरूरी है तो इस तरह से ये मीटिंग जो है कंसेप्ट जो है उसमें आता है कि जब कई व्यक्ति मिलकर कोई कार्य को करने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उसको जो है हम मीटिंग कहते हैं और बहुत सारे कार्य या मैटर जो हैं वो उस मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं और समय एवं कुशलता लाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सभी समय समय पर आपस में मिलकर उसमें विचार विमर्श करते हो और उस मीटिंग में हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी राय जो है वो देता है कि जो मैटर या जो एजेंडा रखा गया है मीटिंग का तो उस मीटिंग में वो डिस्कस किया जाता है और क्योंकि कंपनी में बहुत ही बहुत से व्यक्तियों को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिल कार्य करना पड़ता है अतः कंपनी के लिए आवश्यक है कि कम से कम जो है वो साल में एक मीटिंग जो है वो बुलाए और उसमें जितने भी उसके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो उस मीटिंग में रखें ये जो है वो मीटिंग का मेन उद्देश्य जो है वो होता है अब इन सभाओं में ही कंपनी के अधिकांश कार्यों के निर्णय लिए जाते हैं जो कंपनी द्वारा मीटिंग बनाई जाती तो है तो उनके जो आवश्यक मैटर हैं या आवश्यक कार्य होने हैं तो वो सारे जो है वो मीटिंग में डिस्कस करे जाने कि किसी को लाभांश कितना देना है शेयर कैसे आवंटन होंगे कैसे उसमें डिडक्शन किया जाएगा तो ये सारे मैटर्स जो है वो मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं और इसमें जितने भी मेम्बर्स होते हैं उसके चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो डायरेक्टर्स हो मैनेजर्स हो या अदर जो रिस्पॉन्सिबल प्रोमोटर्स हो Executing डायरेक्टर्स हो तो ये सारे जो है इस कम मीटिंग में भाग लेते हैं तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मीटिंग का अब जो है डिस्कस करेंगे कि मीटिंग का अर्थ क्या होता है लिटरल अर्थ क्या होता है मीनिंग का या उसका अर्थ क्या है अब कंपनी अधिनियम में मीटिंग को डायरेक्टली रूप से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है अब आमतौर पर एक कंपनी को कुछ वैध व्यवसाय की चर्चा और लेन देन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा या उनके द्वारा इकट्ठा होना उसको मीटिंग कहते हैं मीन्स कि जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को लेके किसी मुद्दे को लेके किसी एजेंडे को लेके एकत्रित हुए हैं उस मुद्दे या एजेंडे पे चर्चा करने के लिए तो उसको हम मीटिंग कहेंगे और कंपनी की बैठक को कंपनी के सामान्य या विशेष व्यवसाय को चलाने के लिए कम से कम सदस्यों का एक कोरम उस मीटिंग में होना चाहिए और उस कोरम में उनकी जो उनके सदस्य हैं उनकी मिनिमम जो है वो एक प्रेजेंटेशन या वो मिनिमम जो सदस्य हैं वो प्रेजेंट हो तभी वो मीटिंग का कोरम जो है वो पूरा होगा तो इसको इस प्रकार से इसको परिभाषित किया जाता है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मीटिंग जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह या संग्रह है जिसमें उस उद्यान या उस संस्थान के या कंपनी के सदस्य जो है मिलकर कंपनी से रिलेटेड ऐसे मुद्दों पर या एजेंडों पर डिस्कस करते हैं जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या डायरेक्टर्स ने या रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने निर्धारित किए हों और उस पर ये चर्चा की जाती है तो उसको मीटिंग बोलेंगे अब जो है इसकी कुछ परिभाषाएं दी हुई है मीटिंग की जिसको जो है विभिन्न उसमें परिभाषित किया गया तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो साफ बनाम डाबिस एक केस था जिसको कोर्ट ने निर्धारित किया था इसमें मीटिंग को जो है वो परिभाषित किया गया था कि मीटिंग क्या होगी तो बैठक को इनके अनुसार बनाम डाबिस के अनुसार कि बैठक को किसी वैध उद्देश्य के लिए लोगों की एक सभा या किसी वैध उद्देश्य के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ आने के रूप में परिभाषित किया गया है मीन्स कि इसमें बताया है कि बैठक को किसी भी वैध उद्देश्य के लिए जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उस वैध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई ऐसी परिचर्चा करें तो उसको मीटिंग कहेंगे तो ये साफ बनाम डेविस में इसको परिभाषित किया गया है दूसरी परिभाषा है पी के घोष के अनुसार पी के घोष ने जो है मीटिंग को परिभाषित किया है कि मीटिंग जो है वो चिंता के किसी वैध व्यवसाय के लेन देन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की कोई भी सभा बैठक या एक साथ आना कहलाता है कि जहाँ पे किसी वैध व्यवसाय के लेन देन को या आदान प्रदान को या कोई ऐसे मुद्दे को डिस्कस करने के लिए जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए हैं तो वो मीटिंग होगी या सभा होगी तीसरी जो परिभाषा है के किशोर के अनुसार जो है इसको परिभाषित किया गया है इन्होंने बोला है कि मीटिंग जो है वो सामान्य हित के लेन देन के व्यवसाय को जहाँ पे पिछले नोटिस या आपसी समझौते द्वारा कम से कम सदस्यों के कोरम की सहमति या उनको साथ मिलकर बैठना ही मीटिंग है कि जहाँ पे किसी व्यवसाय के लेन देन के लिए पिछले नोटिस या उनमें जो समझौता हुआ है म्यूचुअल कंसेंट हुई है या जो एजेंडे डिसाइड हुए उसके बेसिस पे यदि वो एकत्रित होते हैं तो उसको मीटिंग बोलेंगे अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बैठक जो है वो कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने और उठाए गए प्रश्नों पर अपनी राय व्यक्त करने के उद्देश्यों से एक विशेष स्थान पर कई व्यक्तियों का जमावड़ा है या एकत्रित होना है इस तरह हम कह सकते हैं कि मीटिंग जो है एक ऐसे उद्देश्यों को लेके की गई हो जिसका एक विशेष स्थान हो और उस विशेष स्थान पे उनके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए हैं इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने उस चर्चा में एक निष्कर्ष निकाला है तो उसको मीटिंग कहेंगे तो ये परिभाषा जो है इसमें परिभाषित की गई है अब कंपनी की बैठक क्यों होती है या क्यों जरूरी है कोई भी कंपनी के लिए तो इससे पहले कि हम कंपनी की बैठकों के प्रकारों के बारे में पढ़ें आइए एक नज़र डालते हैं कि वास्तव में कंपनी की बैठक क्यों आयोजित होनी चाहिए या क्यों जरूरी है इनकी मीटिंगें आयोजित होना पहला जो इसका उद्देश्य है इस मीटिंग का आयोजित होने का कि प्रबंध कार्य नियंत्रण होता है कि जो प्रबंधन किया जाना है कंपनी का वो मीटिंग द्वारा कंट्रोल होगा कि उनने बोला कि जहाँ पे कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट हो रही है कि कोई और ऐसी चीज़ हो रही है जो कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं है उसके हित के विरुद्ध में है या मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी के सदस्यों के द्वारा तो वहाँ पे जो है ये टाइम टू टाइम जब कंपनी मीटिंग बुलाती है तो उसमें जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मीटिंग और उसमें जो है ये सारे मैटर्स जो हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं इसीलिए जो है ये कार्य पर नियंत्रण रखती है कि उसका मैनेजमेंट ठीक तरीके से चलता रहे इसीलिए जो है मीटिंग बुलाना जरूरी है दूसरा जो है कंपनी के मामलों पर नियंत्रण रखना कि कंपनी के जितने भी मामले हैं उसके शेयर धारकों से रिलेटेड डिबेंचर से रिलेटेड उसके इशूइंग से रिलेटेड या उसकी किसी की लाइबिलिटी निर्धारित की जानी हो निदेशक को व्यवसाय चलाने या कंपनी के दिन प्रतिदिन के लेन देन या कोई अन्य उसको क्या लोन लेना है क्या चीज़ करनी है तो वो जो है इसके प्रबंधन से या उसके जो कंपनी के जितने भी मामले हैं उनको नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मीटिंग तीसरा जो है भविष्य की नीतियों को निर्धारित करने में मीटिंग जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जैसे बैठकों के माध्यम से किसी भी कंपनी की पिछली नीतियों और अनुभवों पर चर्चा की जा सकती है और भविष्य में नई नीतियां तय की जा सकती हैं जैसा कि ऊपर कहा गया है कि निदेशक शेयरधारकों के प्रति जवाबदार होते हैं इसीलिए ऐसी बैठकों के माध्यम से शेयर धारक अपनी कंपनी के बारे में जानते हैं और शेयरधारकों के अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है इसमें ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है कोई भी मीटिंग बुलाई जाती तो उसमें प्रीवियस नीतियाँ क्या थी कंपनी के लिए भविष्य में क्या नीतियाँ होंगी तो वो जो है उस मीटिंग में डिस्कस की जाती हूँ और उसमें जो है नई नीतियाँ और कंपनी के बेनिफिट के लिए नई नीतियाँ जो है वो बनाई जाती हैं तीसरा भविष्य की नीतियों को जो है वो निर्धारित करती है कि कंपनी के लिए क्या नई पॉलिसीज़ होंगी क्या नीतियाँ होंगी नए नए क्या आयाम होंगे कंपनी के बेनिफिट के लिए क्या चीज़ें होंगी तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें निर्धारित की जाती हैं तो ये जो है मेन उद्देश्य होते हैं कोई भी मीटिंग को निर्धारित होने की या मीटिंग क्यों होनी चाहिए या क्यों जरूरी है मीटिंग होना इसके बाद जो है सभा की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक बैलेट सभा की क्या विशेषताएं हो सकती हैं तो कोई भी सभा जब आयोजित की जाती है तो उसके लिए ये निम्नलिखित विशेषताएं जो हैं वो होनी चाहिए पहली जो विशेषता है कि कंपनी की सभा में कम से कम दो या दो से अधिक सदस्य होना चाहिए जो कि कंपनी के सदस्य हों ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि कम से कम जो है जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन्स है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें एक मिनिमम कोरम जो है वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो वो मिनिमम कोरम जो है वो मीटिंग के लिए होना चाहिए यदि मिनिमम कोरम उसमें नहीं है तो वो मीटिंग जो है वो वैलिड मीटिंग नहीं होगी ये इसकी विशेषता है कि कम से कम जो है उसके सदस्य होने चाहिए या जो कोरम है उसके लिए रिक्वायर्ड वो कोरम पूरा जो है वो होना चाहिए तभी जो है वो वैलिड मीटिंग होगी नहीं तो वो इन बैलेड मीटिंग होगी या उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा तो ये पहला जो है असेंशियल एलिमेंट है दूसरा है ये सदस्य कंपनी के किसी भी वैध कार्य पर निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुए हों कि जब भी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है और ऑर्गेनाइज की जाने के लिए जो है कम से कम जो है जितने भी सदस्य एकत्रित हुए हैं तो उसमें जो है उसके बैलड मैटर्स जो हैं वो डिस्कस किए हों मींस जो एजेंडा पहले से प्रिपेयर करे हैं कंपनी ने उस कंपनी पे एक सही चर्चा जो है या बैलेट चर्चा जो है जो बैलेट मुद्दे हैं उनके उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिसके लिए वो एकत्रित हुए हैं और अपने अपने सदस्य जितने भी सदस्य हैं वो अपनी राय जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं तो ये दूसरी उसकी विशेषता है कि इसमें जो है किसी वैध कार्य पर निर्णय लेने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं तभी जो है वो बैलेट मीटिंग मानी जाएगी तीसरा जो है सभा की सूचना सभा होने से पूर्व सदस्यों को दी जानी चाहिए सपोज़ कंपनी ने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करी तो उसकी एक प्रिस्क्राइब पीरियड जो है उस प्रिस्क्राइब पीरियड के पहले जो है एक नोटिस जो है जितने भी मेम्बर्स हैं जो मीटिंग में भाग लेंगे तो उनके लिए वो नोटिस जो है वो जरूरी है और वो नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए तभी जो है वो मीटिंग में भाग ले सकते हैं और बढ़ चढ़ के उसमें अपना जो सुझाव है वो सारी चीज़ें दे सकते हैं तो ये उसमें एक नोटिस जो है वो सभा के पहले जो प्रेस्क्राइब पीरियड है उसके पहले जो है उसको उनके जो सदस्य हैं उनको दिया जाना चाहिए चौथा जो है कि यह सभा निश्चित स्थान तिथि और समय पर होनी चाहिए कि कोई भी मीटिंग जब ऑर्गेनाइज हो रही है कंपनी की तो उसमें जो है उस सभा का स्थान डेट और टाइम ये चीज़ें जो है वो मेंशन होनी चाहिए तभी जो है वो बैलेट सभा होगी स्थान इस में इसके जहाँ पे कोई सभा आयोजित होनी जैसे कोई मीटिंग जो है वो कानपुर में होनी है तो उसमें प्लेस का नेम मेंशन होना चाहिए उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए कि सपोज तीन तारीख को वो मीटिंग होनी है और तीन बजे से मीटिंग होनी तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें फिक्स होनी चाहिए तभी जो है वो बैलेट मीटिंग होगी नहीं उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं होगा जहाँ पर ये स्थान तिथि या समय जो है वो मैंशन नहीं होगी इसके बाद जो है पाँचवा सभा कंपनी अधिनियम के नियमानुसार होनी चाहिए मीन्स की जो कंपनी अधिनियम या जो प्रोविजंस बनाए गए हैं कंपनी अधिनियम में उनके अनुसार होनी चाहिए या जो उनका इंटरनल मैनेजमेंट या आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के अनुसार बनाई गई है तो उसके अनुसार जो है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी चाहिए तभी जो है वो बैलेट मीटिंग होगी और इस मीटिंग में नेक्स्ट जो है इसमें मेंशन किया है कि वहाँ पे जो है एक एजेंडा होना चाहिए कि जो मीटिंग बुलाई गई है उस मीटिंग में एक एजेंडा होना चाहिए तभी जो है वो बैलेट मीटिंग मीन्स जो मुद्दे उसमें बताए गए हैं या उनके द्वारा प्रपोज़ करे गए हैं तो उन मुद्दों पे एक विशेष डिस्कशन होना चाहिए और उस मीटिंग में जो है एक रेजोलूस जो है वो पास होना चाहिए जिस मुद्दों पे उन्होंने डिस्कस करा है कि उसका क्या कंक्लूज़न है क्या निर्णय निक, निकला उस मीटिंग का और वो निर्णय जो है वो डिसीजनस या रेजोलूशन जो है वो वैलिड होना चाहिए जितने मेंबर्स हैं उनके द्वारा उस मीटिंग में साइन होने चाहिए तभी जो है वो वैलिड मीटिंग होगी तो ये कुछ विशेषताएं हैं कंपनी की जो इसमें ए, सभा की जो इसमें मेंशन करी गई हैं तो इसके बाद बताया कि एक प्रभावी बोर्ड बैठक के लिए मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं कि इफेक्टिव बोर्ड बैठक या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक जो है वो क्या होगी तो इसके लिए निम्न मुख्य बिंदु जो है वो स्थापित किए हैं पहला जो है कि एक स्पष्ट और विशिष्ट एजेंडा तैयार करें कि जब कोई प्रभावी या इफेक्टिव बैठक बुलाई जाएगी तो उसमें एक एजेंडा जो है वो तैयार किया जाएगा कि एक सफल बैठक के लिए आवश्यक सभी पहलुओं को व्यवस्थित करें और बैठक के बारे में प्रारंभिक सूचनाएं भेजने से पहले सभी अनिश्चितताओं के लिए निर्धारित निर्धारित या तैयार करें जैसा कि निमंत्रण भेजने के बाद समस्याएं आती हैं इसे सीट अधिकारियों के दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है मींस के जहां पे कोई मीटिंग बुलाई गई है तो उस मीटिंग में पूरा आपकी तैयारी होनी चाहिए प्रिपरेशन होनी चाहिए जो आपने एजेंडा रखा है उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए क्या क्या मुद्दे आपने उसमें रखे हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी जो है वो बैलेट मीटिंग होगी अन्यथा जो है उसमें हॉस्पॉस जो है वो पूरा मीटिंग में हो जाएगा तो पूरा मिनट्स और ये सारी चीजें जो है उस मीटिंग में होनी चाहिए नहीं तो जो है वो व्यवस्थित मीटिंग जो है वो नहीं मानी जाएगी तो ये स्पष्ट और विशिष्ट एजेंडा तैयार होना चाहिए जिसमें जिस मुद्दों पे उस पर चर्चा की जानी है दूसरा बैठक में दस्तावेज बोर्ड पैक और अन्य संदर्भ तैयार करें कि जितने भी मीटिंग से रिलेटेड दस्तावेज़ है सपोज कोई आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करनी है कोई और ऑडिटिंग करवानी है कोई और चीज़ करवानी है तो वो सारे एजेंडे जो हैं या दस्तावेज जो हैं वो आप तैयार करके रखें मीटिंग के लिए कि बोर्ड की मीटिंग में सभी संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट तैयार करना होगी और तैयारी के बाद क्रॉस चेक करें कि दस्तावेज और रिपोर्ट संबंधित एजेंडे से संबंधित है और प्रत्येक दस्तावेज के शीर्षक पर ध्यान दें कि विशेष रूप से मुख्य बैठक में निम्न दस्तावेज जो है वो प्रोड्यूस किए जाने हैं फिर उन्हें स्पष्ट संदर्भ संख्याएं आसान करें और बैठक के एजेंडे में उनके शीर्षक के साथ दस्तावेजों के संदर्भ संख्याओं की सूची बनाएँ और फिर उन्हें उद्धित करें क्योंकि वे बैठक में उपयोग किए जाएंगे तो वो पूरी लिस्टिंग और ये सारी चीज़ें जो है आपको तैयार करने के क्या क्या दस्तावेज लगेंगे क्या लिस्ट है क्या वो सारी चीजें जो है उनसे रिलेटेड जितने भी दस्तावेज हैं तो वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे तीसरा है एजेंडा में रहना सभापति का इस पर नियंत्रण होना चाहिए उस मीटिंग पर और हमेशा यह जानते हुए कि चर्चा को एजेंडे से अलग नहीं किया जा सकता मीन्स उसमें जो है जो एजेंडा रखा गया है उस एजेंडे पर ही चर्चा होनी चाहिए कि जो महत्वपूर्ण मुद्दा है या महत्वपूर्ण पहलू हैं उन्हीं पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए ये नहीं कि मीटिंग में आप आए और चाय बिस्किट खाए और निकल लिए कंपनी की जो मीटिंग है उनमें ऐसा नहीं होता जो विधिक रूप से जो उनके महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पहलुओं पर वो मीटिंग बनाई गई है तो उस पर जो है डिस्कसन होना चाहिए और सब जितने भी व्यक्ति हैं उनको अपनी अपनी राय जो है उसमें प्रस्तुत करनी चाहिए तभी जो है उस मीटिंग का एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो निकलेगा इस तरह से ये एजेंडा में रहना है या उसके बाहर जो है कोई इर्द गिर्द की बातें डिस्कस नहीं करना केवल जो एजेंडे हैं या उसमें रखे गए हैं मुद्दे उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए मीटिंग में तो ये भी एक उसका महत्वपूर्ण बिंदु है एक मीटिंग के लिए चौथा जो है निश्चित करें कि सुविधाएं और उपकरण क्रम में हैं कि जो आपने सुविधाएं प्रोवाइड करनी है उस मीटिंग में या जो उपकरण आपको यूज़ करने हैं उस मीटिंग में तो वो उपकरण और सुविधाएं जो वो सही तरीके से संगठित हों या अपने स्थल पर हों या स्थान पे हों तो इस चीज़ के लिए एक दिन पहले जो है आपको सुनिश्चित करना है उस मीटिंग के ऑर्गेनाइज होने के पहले तो उनकी जो अलावा अन्य सुविधाएं जैसे प्रोजेक्टर कंप्यूटर या कोई और मशीनरी जो उस मीटिंग के लिए रिक्वायर्ड है कोई प्रोजेक्टर है कोई कोई ऐसी चीज है तो वो आपको कंप्लीट रखनी है एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के पहले तो ये चौथा जो है आवश्यक बिंदु है जो इसकी मीटिंग के लिए आवश्यक है पाँचवा जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं और कार्रवाई मदों को रिकॉर्ड करें और एक सुनिश्चित फाइलिंग संग्रह योजना बनाएं कि जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको व्यवस्थित रूप से रखें और उनको जो है एक फाइलिंग में बनाएं और एक प्लानिंग से उनको तैयार करें कि क्या क्या बैठक के बारे में सभी संबंधित सामग्री जैसे हस्ताक्षरित अनुबंध नीतियाँ संशोधन दस्तावेज या जो भी उसमें निर्णय लिए जाने भंडारण की सुविधा तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फाइलें हो या भौतिक फाइलें हो कागज़ हो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फाइलों की उचित सुरक्षा उपाय जैसे अनसब्सक्राइब और पासवर्ड फोल्डर्स वो सारी चीज़ें जो हो वो व्यवस्थित रखें ताकि जो है वो मीटिंग के समय ऐसी कोई दिक्कत ना हो अब जो है कंपनी की बैठकों का महत्व क्या होता है कि कंपनी की बैठक जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है अब कंपनी की बैठकें आयोजित करने के महत्व पर कुछ उल्लेखनीय बिंदु निम्नलिखित हैं सबसे पहला है कि कंपनी के सदस्यों जिसे सामान्य तौर पर शेयर धारकों के रूप में जाना जाता है कि सहमति अपने द्वारा आयोजित सामान्य बैठकों में प्राप्त की जानी चाहिए कि जितनी भी मीटिंग है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कंसेंट जो है वो जरूरी है इसीलिए जो है वो मीटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंस है उसका महत्व है यदि बिना सहमति के कोई ऐसी मीटिंग लिए तो वो मीटिंग का कोई महत्व नहीं होगा मीन्स जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सहमति जो है वो जरूरी है दूसरा जो है कि यदि निदेशक मंडल द्वारा कोई गलती की जाती है तो शेयरधारकों के पास कंपनी की बैठकों में इसे सुधारने का अधिकार होता है कि सपोज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई अपनी मीटिंग करी उस मीटिंग में कोई मिस्टेक हो गई या गलती हो गई तो वो उसको रेटिफाइड किया जा सकता है कि जो शेयर होल्डर ने अपनी मीटिंग बुलाई है उस मीटिंग में उसको रेटिफाइड किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है कि इस बोर्ड मीटिंग में ये वाली जो है वो मिस्टेक हुई है तो उसको रेटिफाइड किया जा सकता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग के द्वारा तीसरा जो है निदेशक मंडल द्वारा किए गए उपायों पर अपने निर्णय पर अंतिम निर्णय देने के लिए शेयर धारकों द्वारा शेयर धारकों की बैठक आयोजित की जाती है कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई मीटिंग ले ली और उस मीटिंग को अंतिम रूप पर देने के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे और उस पर अंतिम निर्णय जो है वो देंगे कि हाँ ये कंपनी के बेनिफिट के लिए शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए है या जो उनके मेंबर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए तो ये उसमें चौथा बैठकें शेयर धारकों को कंपनी की हाल की घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानने में मदद करती हैं कि जो शेयरधारकों की बैठक होती हैं उस बैठकों में कि क्या कंपनी में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो वो जो है उनमें मददगार होती हैं कि कंपनी में क्या निर्णय लिए गए क्या निर्णय नहीं लिए तो ये जो है बैठकों का जो है एक महत्व है नेक्स्ट जो है वो बैठक बुलाने करवाने और संचालन से संबंधित मामलों में कई मापदंड पूरे करने होते हैं कि जित जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हैं वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल होती हैं इसीलिए जो है वो बैठकों का महत्व तो है या मीटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है तो इस तरह से ये बैठकों का महत्व तो है अब एक वैद कंपनी बैठक के लिए क्या घटक होंगे कंपोनेंट्स क्या होंगे एक वैद कंपनी की बैठक के लिए कंपोनेंट्स क्या होंगे या घटक क्या होते हैं तो एक कंपनी की बैठक में सामान्य तौर पर निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जा सकता है पहला कि उसमें जो है कुछ प्रतिभागी हों प्रतिभागी मीन्स पार्टिसिपेंट जो मेंबर्स हैं डायरेक्टर्स हैं मैनेजर्स हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं अकाउंटेंट हैं या जो उनके ऑफिसियल हैं तो वो उसमें पार्टिसिपेट किए हों उस मीटिंग में तभी जो है वो ये उसका फर्स्ट कंपोनेंट है कि बिना पार्टिसिपेंट के कोई मीटिंग जो है वो नहीं हो सकती है कि एक बैठक की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है प्रतिभागियों का होना कि यदि कंपनी की बैठक में कोई प्रतिभागी नहीं होगा तो वो बैठक जो है वो पूर्ण नहीं होगी एक निजी बैठक के मामले में बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति जैसे संगठन के सदस्य समिति उप समिति और जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वो मीटिंग में जरूरी रूप से सहभागिता दें और भाग करें और वे भाग ले सकते हैं और कभी कभी ऐसे व्यक्ति की अनुपलब्धता की अनुपस्थिति में उनकी ओर से अपना प्रतिनिधित्व या प्रति पत्री जिसे अपन प्रॉक्सी बोलते हैं भेजने का अधिकार रखता है तो यहाँ पे जहाँ पे उसको कोई विशेष कार्य है कोई ऐसी वो है तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी उस मीटिंग में भेज सकता है जबकि सामाजिक बैठक के मामले में सामान्य जनता को उनमें शामिल होने का अधिकार है यहाँ पे केवल जो उनके सदस्य हैं या सहभागी हैं या प्रतिभागी हैं वो ही उस मीटिंग में भाग ले सकते हैं दूसरा इसका कंपोनेंट है तो उस मीटिंग का एक चेयरमैन होगा जो उस मीटिंग को चेयर करेगा तो ये इसका सेकेंड घटक है उन्होंने बोला कि एक वैध कंपनी बैठक के लिए प्रत्येक बैठक में एक अध्यक्ष नियुक्त होना चाहिए ये एक अध्यक्ष होना चाहिए जनरली जो है कंपनी की बैठक में जो मीटिंग का अध्यक्ष होगा हो जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो उसका चेयरमैन होगा और वो चेयरमैन जो है वो अपने अधिकार और कर्तव्य का निर्वाहन करता है और वो अध्यक्ष जो है वो उस मीटिंग को बुलाता है और उसको चेयर करता है और उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं तो उसमें एक अध्यक्ष जो है वो होना चाहिए जो उस मीटिंग को जिसने बुलाया है तीसरा घटक है सचिव कि जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें एक सचिव होना चाहिए कि जो संगठन समिति उप समिति आदि के सचिव को बैठक के आरंभ से लेकर अंत तक कई तब कर्तव्यों को सौंपा जाता है कि क्या क्या मुद्दे उसमें डिस्कस करे गए तो वो उसमें लिखेगा उसमें फिर जो रेजोल्यूशन्स पास करे गए तो वो उसको राइट करेगा उसके अलावा भी उसमें और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो वो उसकी प्रतिपूर्ति करेगा तो एक सचिव का जो है वो बैठक में होना जरूरी है और इस तरह की बैठकों को अंजाम देने के लिए एक सचिव जो है वो अहम भूमिका निभाता है कोई भी कंपनी की चौथा जो कंपोनेंट है सामान्य सामान्यतृति इसके अलावा जिन्हें बैठक में भाग लेने का अधिकार है कुछ लोग हैं जिन्हें सामान्यतित किया जाता है उदाहरण के लिए कोई प्रेस रिपोर्टर्स हैं या अन्य सहभागी हैं जिनको आमंत्रित किया गया है तो वो भी उस मीटिंग में भाग ले सकते हैं और जिसको जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग करी गई हो उस मीटिंग में कि क्या क्या उसमें रेजोल्यूशन्स पास करे गए क्या उसकी रिपोर्ट है तो ये प्रॉपर इसके कंपोनेंट होते हैं एक मीटिंग के कंपोनेंट जो हैं वो बताए गए हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मीटिंग के क्या प्रकार होते हैं क्या किस किस प्रकार की मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज हो सकती हैं तो जनरली जो है वो तीन प्रकार की मीटिंग होती हैं एक तो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें जो है स्टेचुट्री मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग ये दो प्रकार की होती हैं और एक संचालकों की सभाएं मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स और एक मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स तो ये जो है इसमें बताया गया है तो अब इसको जो है वो वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे कि अंशधारियों की सभाएं क्या होती हैं अंशधारियों की सभाएं ये होती हैं कि जो अंशधारी हैं उनके द्वारा वो मीटिंग जो है वो बुलाई गई हो ठीक है या उनके द्वारा वो करी गई हो अब इसमें जो है स्टैचूटी मीटिंग या वार्षिक साधारण सभा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग या क्लास मीटिंग मीन्स शेयर होल्डर्स की डिवेंचर्स होल्डर्स की या क्रेडिटर्स की इनकी जो है उसको क्लास मीटिंग बोलते हैं किसी एक क्लास की जो मीटिंग हो इसके अलावा संचालकों की मीन्स डायरेक्टर्स की मीटिंग और ऋण पत्रधारियों और लेनदारियों की मीटिंग तो सबसे पहले जो है अंशधारियों की सभाओं या मीटिंगों के बारे में डिस्कस करते हैं अब अंशधारी कंपनी के संयुक्त स्वामी होते हैं लेकिन अपनी कुछ मर्यादाओं के कारण वह कंपनी का प्रबंध स्वयं नहीं करते जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट है वो स्वयं नहीं करते उनके द्वारा जो है वो मैनेजर या डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करे जाते हैं और वो डायरेक्टर और मैनेजर जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर्स के तो इस तरह से जो है वो उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उनके जो राइट्स हैं या इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं अब कंपनी के प्रबंध को वे संचालकों को, को सौंप देते हैं और संचालक मंडन पर नियंत्रण करने तथा तो भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए अंशधारी समय समय पर अपनी सभाएं आयोजित करते हैं ठीक है तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसको उस कंपनी को नियंत्रित करता है और उनको नियंत्रित करने के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो उसमें कार्य करते हैं और टाइम टाइम पर वो अपनी सभाएँ ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको अपन शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स मीटिंग बोलते हैं या शेयर होल्डर्स की सभाएं बोलते हैं ठीक है अब इसको जो है तीन प्रकार से इसमें डिवाइड किया गया कि वैधानिक सभा को ना बुलाने के क्या परिणाम होंगे या स्टैचुट्री मीटिंग क्या होगी स्टैचुट्री मीटिंग का मतलब है कि जो स्टैचूट में कंपलसरी मीटिंग बताई गई है कि जहाँ पे शेयर इशू करना है डिवेंचर इशू करना है या प्रोस्पेक्टस इशू करना है सब्सक्राइब करना है उसमें रिडक्शन करना है मनी में या शेयर्स में रिडक्शन करना है तो वहाँ पे जो है वो स्टैचूट्री मीटिंग बुलाना ज़रूरी है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं टाइम टू टाइम पे तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि यदि कोई वैधानिक सभा को ना बुलाया जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे कॉन्सिक्वेंसिस क्या होंगे तो इसके बारे में कि यदि वैधानिक सभा करने तथा वैधानिक रिपोर्ट को रजिस्ट्रार के पास भेजने में त्रुटि की जाती है तो निम्न परिणाम होंगे पहला कि कंपनी के प्रत्येक संचालक अथवा अधिकारी पर तक का जुर्माना किया जा सकता है और न्यायालय या ट्रिब्यूनल्स कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है मीन्स कि जहाँ पे स्टेचुटरी मीटिंग आपने नहीं बुलाई है तो यहाँ तक हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है उसको बाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग जो है वो भी की जा सकती है यदि आप उसमें चिल्ले और हुए हो स्टैचुट्री मीटिंग को कंडक्ट करने में दूसरा न्यायालय वैधानिक रिपोर्ट रजिस्टर को प्रस्तुत करने अथवा वैधानिक सभा करने का आदेश दे सकता है कि आप जो है स्टैचुट्री मीटिंग करिए तो इसका भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल जो है वो आदेश दे सकता है कि और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको क्षतिपूर्ति करने का आदेश या क्षतिपूर्ति देने का आदेश जो है वो दे सकता है कि आपने ये मीटिंग जो है वो क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करी तो ये इसके वैधानिक सभा के ना बुलाने के कुछ परिणाम जो है वो बताए गए हैं अब जो है एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करा गया है वार्षिक व्यापक सभा तो इसका सबसे पहले जो है वो अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है अब प्रत्येक कंपनी को अपनी सभाओं के अतिरिक्त एक साधारण सभा भी करनी पड़ती है जिसे वार्षिक व्यापक सभा कहते हैं मीन्स एक जनरल जो सभा है उसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं अब यह सभा सामान्य रूप से कंपनी द्वारा ही बुलाई जाती है परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय सरकार को ऐसी सभा बुलाने का अधिकार है मतलब जनरली जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो एक साल में होती है और वो एक साल में मैंडेटरी है कि वो हो लेकिन कभी ऐसी विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं तो केंद्रीय सरकार जो है उसके अनुमोदन पर भी वो सब मीटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है और अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी को वर्ष में एक बार कम से कम ईयर में एक बार जो है एनुअल जनरल मीटिंग कराना जरूरी है और अन्य सभाओं के अतिरिक्त एक वार्षिक साधारण सभा बुलाना अनिवार्य है तथा तो सभा की सूचना में यह स्पष्ट उल्लिखित होना चाहिए कि यह एक वार्षिक व्यापक सभा है कि जो भी मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की है उस मीटिंग में लिखा जाना चाहिए कि ये एनुअल जनरल मीटिंग है तभी जो है वो उसको माना जाएगा तो ये उसका मीनिंग है ठीक है तो इस तरह से व्यापक एनुअल जनरल मीटिंग जो है उसका मतलब है कि कम से कम साल में एक बार कोई ऐसी मीटिंग हुई हो तो उसको मीटिंग है और ये मीटिंग जो है जनरली कंपनी के द्वारा बुलाई जा सकती है लेकिन कई आपदित कंडीशन में ऐसी मीटिंग जो है वो केंद्रीय सरकार भी बुला सकती है अब सभा के जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसके उद्देश्य और महत्व क्या होंगे ऑब्जेक्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दी मीटिंग अब वार्षिक व्यापक सभा का मूल उद्देश्य यह होता है कि वर्ष में कम से कम एक बार जो कंपनी के सदस्य हैं वो आपस में मिलें और कंपनी के इंटरेस्ट या जो उसके लाभ के बारे में सोचें और उसमें जो भविष्य में या नए साल में क्या उसके लिए नीतियाँ होंगी वो निर्धारित करें उसके कार्यकलाप क्या होंगे एक्ट्स क्या होंगे तो वो सारे जो हैं वो निर्धारित करें उसके अलावा जो ऑडिटिंग है उसकी वो उसमें क्या रिपोर्ट्स हैं क्या उसको लाभ हुए क्या लॉसेस हुए क्या उसको अन्य जो है वो कर सकता है कंपनी के बेनिफिट के लिए तो वो सारी रिपोर्टें है जो हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में प्रस्तुत की जाती हैं इसीलिए जो है इसका इस एनुअल जनरल मीटिंग का महत्व है और ये इम्पोर्टेंट है एवरी कंपनी के लिए कब साल में कम से कम एक मीटिंग जो है एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करें इसके बाद आता है दूसरी सेकेंड मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इसका सबसे पहले जो है वो अर्थ डिस्कस करते हैं कि वैधानिक और वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त कंपनी की जो अन्य सभाएँ बुलाई जाती हैं मीन्स स्टैचुट्री मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग के अतिरिक्त अन्य जो सभाएं बुलाई जाती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती हैं और इस मीटिंग में इस सभा में कंपनी द्वारा कभी कभी बुलाई जा सकती हैं वैधानिक सभा एवं वार्षिक साधारण सभा की तरह है। इस सभा का बुलाना अनिवार्य है परंतु ऐसे विशेष कार्य जिन्हें आगामी साधारण सभा तक रोका नहीं जा सकता जैसे पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम में कोई परिवर्तन करना हो या अंश पूंजी की वृद्धि करनी हो मीन्स के जो शेयर कैपिटल है उसमें बढ़ोतरी करनी हो या उसमें कटौती करनी हो ऋण पत्र इश्यू करने हो आदि के लिए साधारण सभा का बुलाया जाना आवश्यक है सही अर्थों तो में ऐसी सभा बुलाने का उद्देश्य साधारण या विशेष कार्य करना होता है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीनिंग होती है मीन्स वार्षिक साधारण सभा और स्टैचुटी मीटिंग के अतिरिक्त जो मीटिंग बुलाई जाती है जिसको विशेष रूप से ऐसे मुद्दे जो है वो डिस्कस किए जाते हैं जैसे अंश पूंजी या कटौती या ऋण पत्तों का निर्गमन तो वो उसको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कहते हैं अब साधारण सभा की विधि या कार्रवाई प्रोसीजर क्या होगी इसकी एक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की अब साधारण सभा में की कार्रवाई के संबंध में कंपनी के अंतर नियमों में दी हुई व्यवस्थाओं का पालन किया जाता है मीन्स के जो आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन्स बनाया गया है किसी कंपनी के द्वारा और उस आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि उस मीटिंग में क्या कोरम होगा कौन कौन जो है वो वोट डाल सकता है किस किस को वोटिंग राइट्स होंगे क्या रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे जनरल रेजोल्यूशंस पास होगा या स्पेशल रेजोल्यूशंस पास होगा या कोई और रेजोल्यूशंस होंगे किन किन को जो है उसमें राइट्स होगा उसमें बोलने का और कौन कौन ऐसे मुद्दे जो हैं वो उसमें रखे जाएंगे तो वो सारे जो हैं उसमें जो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो उसके अनुसार जो है उस कंपनी की जो असाधारण सामान्य सभा होगी वो बुलाई जाएगी और सभा की नियमितता और कार्रवाई संख्या होने पर अध्यक्ष सभा की कार्रवाई प्रारंभ करता है कि जैसी वो उसका कोरम पूरा होगा तो वो पूरा कोरम के अनुसार जो है वो कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और सचिव जो है सूचना पढ़ने का आदेश देगा और इसमें जो जो भी मुद्दे डिस्कस किए जाने हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और मुद्दे डिस्कस होने के बाद में जो रेजोल्यूशंस पास किए गए चाहे जनरल रेजोल्यूशंस पास किया गया हो या स्पेशल रेजोल्यूशंस पास किया गया हो तो वो सारे रेजोल्यूशंस जो है वो पास किए जाएंगे तो एक मीटिंग बुलाने की एक प्रक्रिया जो है असाधारण सभा की बताई गई है अब जो है असाधारण व्यापक सभा निम्न प्रकार से बुलाई जा सकती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है वो निम्न प्रकार से या निम्न व्यक्तियों के द्वारा बुलाई जा सकती है पहला जो है संचालकों के द्वारा मीन्स बाय द डायरेक्टर कि यदि डायरेक्टर चाहें तो वो असाधारण सामान्य सभा जो है वो बुला सकते हैं लेकिन वो असाधारण सामान्य सभा जो है वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अनुसार जो है वो उसमें व्यवस्था कर सकते हैं या वो मीटिंग जो है वो बुला सकते हैं अब संचालक मंडल जब उचित समझे कंपनी की एक असाधारण सभा बुला सकता है मीन्स इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है कितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो बुला सकते हैं और यह सभा संचालकों द्वारा किसी विशेष कार्यों के लिए बुलाई जा सकती है जो पर्टिकुलर कार्य हैं वो उस मीटिंग में किए जाते हैं और तो ये संचालकों द्वारा मीटिंग जो है वो बुलाई जा सकती है तो ये फर्स्ट उसमें बताया गया दूसरा जो है जो उसके मेंबर्स हैं मेंबर्स मींस जो शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के तो वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो उस मीटिंग को बुला सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ठीक है यदि तो संचालक कंपनी की असाधारण व्यापक सभा नहीं बुलाते हैं तो सदस्यों की निम्नलिखित संख्या कंपनी के संचालकों को इस सभा के बुलाने के लिए बाध्य कर सकती है तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो अंश पूंजी वाली कंपनियों की दशा में चुकता पूंजी का एक बटे दस भाग रखने वाले ऐसे शेयर धारक जिन्हें वोट देने का अधिकार है मीन्स कि जो उस मीटिंग में वोट देते हैं तो वहाँ पे जो है उनके एक बटे दस जो मेंबर्स हैं वो उस मीटिंग के लिए बुलाने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके लिए बाध्य कर सकते हैं कि आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग इस पर्टिकुलर मुद्दे पे ऑर्गेनाइज करनी है दूसरा जो है ऐसी कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं है मीन्स जो लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि ऐसे सदस्य उनका एक बटे दस वोट देने के अधिकारी हैं सभा बुलाने के लिए बाध्य कर सकते हैं तो ये भी जो है एक बटे दस जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स मिलके एक साधारण सभा को बुला सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाउंड कर सकते हैं कि वो ऐसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें अब उपयुक्त सदस्यों द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करने पर संचालक द्वारा ऐसी सभा बुलाना अनिवार्य है और जहाँ पे उन्होंने ऐसी डिमांड करी है जो मेंबर्स हैं उनके एक बटे दस ने तो वहाँ पे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैंडेटरी है कि वो ऐसी सभा को ऑर्गेनाइज करें और स्थापित करें और उनके मेंबर्स हैं उनकी मांग को पूरा करें और मांग पत्र में उन विषयों का उल्लेख होना चाहिए जिन पर विचार करने के लिए वो सभा बुलाई जाने वाली है और मांग पत्र पर सभा बुलाने की मांग करने वाले सदस्यों हस्ताक्षर के हस्ताक्षर होंगे जिन्होंने वो रिकमेंड करा कि ऐसी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए तो मेम्बर्स जो हैं वो भी ये एक मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसे कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रार के, के यहाँ भेजेंगे या जो रजिस्टर्ड कार्यालय है कंपनी का वहाँ पे भेजेंगे और वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाध्य बाधें उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए तीसरा है कंपनी राजनीम बोर्ड या न्यायालय द्वारा या ट्रिब्यूनल्स द्वारा भी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जा सकती है कि जब साधारण व्यापक सभा उक्त तो रूपों में नहीं बुलाई जाती है तो कंपनी राजनीम बोर्ड सभा बुलाने की आज्ञा दे सकता है मींस या तो कंपनी बोर्ड जो है वो बना हुआ है या जो ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल भी आदेश देगा कि सपोज असाधारण सभा की मीटिंग हुई नहीं अब ऐसे कोई महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो डिस्कस किए जाने हैं तो वहाँ पे जो है ट्रिब्यूनल भी आदेश दे सकता है कि वो ऐसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें जो उनके उसके लिए हो और तो कंपनी राजनीय बोर्ड सभा बुलाने की आज्ञा दे सकता है और कंपनी राजनीय बोर्ड ऐसा आदेश या जो अपनी इच्छा पर कंपनी के किसी भी संचालक के आवेदन पे या जो उनके मेंबर्स हैं उनके आवेदन पे कि वो भी उसमें कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में मैटर लगा सकते हैं और उसके लिए आवेदन दे सकते हैं कि ऐसी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए तो वहाँ पर ट्रिब्यूनल्स आवेदन को देखते हुए या सुनते हुए ये निर्णय देगा कि वहाँ पर ऐसी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए तो जो ट्रिब्यूनल्स है वो भी ऐसी इसका आदेश दे सकता है और आदेशों में एक आदेश यह हो सकता है कि कंपनी का एक सदस्य जो कि स्वयं या पितिपुरुष द्वारा सभा में उपस्थित होगा और कंपनी की सभा मानी जाएगी इस प्रकार बुलाई गई सभा कंपनी की उचित रूप से बुलाई गई सभा मानी जाएगी जिसको हम कंपनी या जो ट्रिब्यूनल है नेशनल कंपनी या ट्रिब्यूनल्स वो ऐसी मीटिंग बुलाने का आदेश दे सकता है उन मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे अब इसके बाद नेक्स्ट है क्लास मीटिंग क्लास मीटिंग जो है एक विशेष वर्ग की मीटिंग होती है कि जैसे कोई शेयर होल्डर्स हैं अब शेयर होल्डर्स को कोई ऐसे विशेष मुद्दे डिस्कस करने हैं तो वहाँ पे जो है वो अपने जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो एक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अब वो मीटिंग जो है वो कोई भी मीटिंग हो सकती है और उनके जो मुद्दे हैं एजेंडे हैं वो चीज़ें जो हैं उसमें डिस्कस की जा सकती हैं कि उनके क्या राइट्स हैं शेयर्स पर जो है वो डिविडेंट बढ़ना चाहिए कोई भी ऐसे मुद्दे जो हैं वो अपने उसमें रख सकते हैं तो ये जो है क्लास मीटिंग होती है कि जैसे पूर्वाधिकारी अंशधारियों द्वारा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के द्वारा अलग मीटिंग बुलाई जा सकती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा अलग मीटिंग बुलाई जा सकती है फिर जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके द्वारा जो है वो अलग मीटिंग बुलाई जा सकती है तो ये जैसे जब शेयर होल्डर्स जो है वो अपने इंटरेस्ट को लेके या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट के लिए प्रोटेक्शन को लेके वो मीटिंग बुला सकते हैं जो डिवेंचर होल्डर हैं वो अपने इंटरेस्ट को लेके प्रोटेक्शन या उनके प्रोटेक्शंस को लेके मीटिंग बुला सकते हैं इसके बाद में जो है जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट या उसको लेके वो प्रोटेक्ट कर सकते तो किसी एक स्पेशल क्लास की जो मीटिंग होती है वो क्लास मीटिंग होती है या स्पेशल मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वो क्लास मीटिंग होती है कि एक स्पेशल क्लास के द्वारा बुलाई गई मीटिंग क्लास मीटिंग होगी चाहे वो अनशदारियों द्वारा हो, हो चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स के द्वारा हो चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो चाहे मैनेजर्स के द्वारा हो या अदर मेंबर्स के द्वारा कोई मीटिंग बुलाई गई हो तो वो क्लास मीटिंग होगी और प्रत्येक कंपनी में इसका पार्षद अंतरियम ऐसी सभा विभिन्न वर्गों के अंशधारियों के अधिकार में परिवर्तन करने या अंतरनियम में परिवर्तन करने के लिए अथवा एक वर्ग के अंशों को दूसरे वर्गों के अंशों में परिवर्तित करने के लिए बुला सकता है तो ये क्लास मीटिंग होगी नेक्स्ट है संचालन मंडल की सभाएं मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या मीटिंग होती है या वो क्या मीटिंग बुला सकते हैं तो सबसे पहले जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते क्या हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ऐसे पर्सनस होते हैं जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टर्स और वो डायरेक्टर जो है वो एक बोर्ड जो है वो चुनते हैं और जिसका जो हेड है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा ठीक है तो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं और ये जो है कंपनी के मैनेजमेंट में या उसको कंट्रोल करने में इम्पॉर्टेंस भूमिका जो है वो निभाता है इसीलिए जो है एक किसी भी कंपनी का बोर्ड जो है वो उसका मस्तिष्क या इसको बोले अपन के जो सी जिसे बोलते हैं सेंट्रल पावर्स या जो कंट्रोल करता है पूरी कंपनी को तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो डायरेक्टर से मिलके बनता है और वो अपने अधिकार जो है वो पूरे एक्सरसाइज करता है अब इन सभाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को पहला संचालन मंडल की सभाएं मींस डायरेक्टर्स के जो मंडल हैं उनकी सभाएं और दूसरा जो है संचालक समितियों की सभाएं मीन्स जो डायरेक्टर्स की जो कमेटियाँ बनी गई हैं उनकी सभाएं तो ये दोनों जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सम्मिलित की जाती हैं संचालक मंडल की सभाएं जो हैं वो संचालक मंडल के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं उनको कोई ऐसे विशेष मुद्दे जो है वो डिस्कस करने हैं तो वो ऐसी मीटिंग जो है वो बुला सकते हैं अब संचालक समितियों की सभाएं यदि ऑर्गेनाइज होनी है तो जो संचालक समितियाँ होती हैं वो अपनी सभाएँ ऑर्गेनाइज करेंगे उसका नोटिस देंगे और सारी चीज़ें जो है वो उसमें फॉर्मेलिटी करेंगे जो एक मीटिंग के लिए आवश्यक हों तो वो सारे मुद्दे जो वो हैं इस मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे इसके बाद है ऋण पत्रधारियों की सभाएं कि जो डिबेंचर्स होल्डर्स हैं वो भी अपनी सभाएं जो हैं वो बुला सकते हैं कि जब एक कंपनी पत्र निर्मित करती है तो वह ऋण पत्रधारियों की सभाओं के बारे में भी योजना बनाती है इन सभाओं से संबंधित नियम ऋण पत्र के पीछे छपे रहते हैं यदि अंतर नियम में इन सभाओं के बारे में कोई नियम दिए हों तो उनका पालन किया जाता है और जब भी कंपनी ऋणपत्र निर्गमित करती है वह ऋण धारियों को प्रतिभूति की शर्तों में अथवा उनके अधिकारों में परिवर्तित करने का अधिकार दे सकती है इस तरह से जो है कि एक ऋण पत्रधारी या डिबेंचर्स होल्डर्स जो हैं वो भी अपनी मीटिंग बुला सकते हैं कि उनको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़वाना है या उनके कोई अगेंस्ट में कोई ऐसे कार्य किए हैं कंपनी ने तो वहाँ पर जो है वो उनके लिए वो जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं वो एक मीटिंग जो है वो कॉल कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनके रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो भी उस मीटिंग में रख सकते हैं तो ये ऋणधारियों द्वारा सभाएं जो हैं वो की जाएंगी अब ऋणधारियों एवं लेनदारों की सभाएं कि जो क्रेडिटर्स हैं मींस ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है तो वो व्यक्ति भी जो है अपनी सभाएँ जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि कंपनी द्वारा या उसके किसी लेनदार द्वारा न्यायालय की प्रार्थना पत्र पर या वहाँ पे आवेदन दिया है उन्होंने न्यायालय में कि जो क्रेडिटर्स हैं वो चाह रहे हैं कि कंपनी जो है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करे उनको कोई ऐसे लॉसेस हुए हैं तो वहाँ पे जो है जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो ये आदेश दे सकता है कि ऐसी मीटिंग जो है वो क्रेडिटर्स की ऑर्गेनाइज की जाए और उनके हितों को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए अब कंपनी की जो योजनाएँ लेनदारों के हितों को प्रभावित करती हैं उनके लिए लेनदारों की सभाएँ बुलाई जाती हैं ताकि उनकी सहमति प्राप्त की जा सके और कंपनी के समापन के समय जो सभाएं कंपनी द्वारा दे ऋणों को निर्धारित करने के लिए तथा कंपनी के मामले को निपटाने के लिए की जाती हैं वे समापन के अधीन ऋणदाताओं की सभाएं कहलाती हैं तो वो क्रेडिटर्स के द्वारा ऐसी मीटिंग जो है वो वो भी ऑर्गेनाइज की जाती है नेक्स्ट जो है कोई भी मीटिंग जो होती है उसमें निम्न प्रकार के जो हैं वो रेजोल्यूशंस पास हो सकते हैं प्रस्ताव का अर्थ जो है सबसे पहले ये समझते हैं कि रेजोल्यूशंस होते क्या हैं कि जैसे सपोज कोई सभा जो है वो आयोजित की गई है अब सभा आयोजित होने के तुरंत उसमें उसमें एक कोरम होता है और उसमें जो एजेंडे में डिस्कस करा गया है उसको अपन रेजोल्यूशंस बोलते हैं कि सभा के सामने विधिवत रूप से प्रस्तुत सुझाव मोशंस जब पूर्ण विचार विमर्श एवं मतदान के पश्चात सभा से आवश्यक बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको रेजोल्यूशंस बोलते हैं कि जो एजेंडे रखे गए एजेंडे रखने के बाद में जो डिस्कशन हुआ उन मेंबर्स के बीच में और उस डिस्कशन का जो रिजल्ट आया या रिजल्ट आया तो उसको अपन रेजोल्यूशंस बोलते हैं अतः सुझाव पर सभा द्वारा लिया गया औपचारिक निर्णय प्रस्ताव होता है मतलब जो सभा द्वारा निर्णय लिया गया एजेंडा जो उसमें रखा गया था और उसमें जो निर्णय लिया उसको रेजोल्यूशंस बोलते हैं अब प्रस्ताव के जो हैं वो तीन प्रकार हो सकते हैं कि भारतीय कंपनी के अनुसार जो रेजोल्यूशंस हैं वो तीन प्रकार के होते हैं फर्स्ट साधारण प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव और विशेष सूचना प्रस्ताव तो ये तीन प्रकार जो हैं वो रेजोल्यूशंस के बताए गए हैं साधारण प्रस्ताव मीन्स के जो कोरम है उसको पूरा कर लिया गया है कोई ऐसा एजेंडा नहीं है सपोज कोई रूटीन वर्ग है उसका रूटीन वर्ग को करना है कंपनी को तो वो साधारण प्रस्ताव के द्वारा जो है वो पास किया जाएगा विशेष प्रस्ताव के जहाँ पे उसको कोई ऐसे ऑल्ट्रेशन करने हैं चेंजेस करने हैं या अलॉटमेंट करने हैं कैपिटल बढ़ाने हैं सब्सक्राइबर बनाने हैं तो वहाँ पे जो है स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करेंगे और विशेष सूचना प्रस्ताव कोई इंफॉर्मेटिव है किसी इंफॉर्मेशन सूचना को उसको पास आउट करना है तो वो विशेष सूचना प्रस्ताव जो है उस मीटिंग में रखेंगे तो इस तरह से ये तीन प्रकार के प्रस्ताव जो है वो इसमें बताए गए और इसको जो है वो डिटेल में इसमें डिस्कस किया है कि साधारण प्रस्ताव से आशा ऐसे प्रस्ताव से जो कंपनी की साधारण सभा में बहुमत से पास किया जाता है तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस बोलते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशंस के विशेष प्रस्ताव से आशा ऐसे प्रस्ताव से है जो 21 दिन पूर्व की सूचना देकर बुलाई गई सदस्यों की सभा में उपस्थित तीन बटे चार के बहुमत से पारित किया जाता है वन थ्री फोर्थ जो मेजॉरिटी है उनके द्वारा पारित किया गया तो वो विशेष प्रस्ताव होगा इसके बाद विशेष सूचना वाले प्रस्ताव कि भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसे प्रस्ताव की व्यवस्था है जिसके लिए विशेष सूचना की आवश्यकता पड़ती है ऐसे नोटिस जिनके लिए चौदह दिन की सूचना आवश्यक है विशेष नोटिस कहा जाता है जो चौदह दिन पहले जो है वो उसमें पास किया जाता है अब सभा की कोरम क्या होगा कि एक सभा बुलाने के लिए एक न्यूनतम सदस्य संख्या को कोरम बोलते हैं कि मिनिमम जो है वो इतने सदस्य जो है यदि मीटिंग में उपस्थित होंगे तो वो उस कंपनी का जो सभा है उसका कोरम जो है वो पूरा हो जाएगा और इसमें जो है कि इस आशय से सदस्यों की उस न्यूनतम संख्या से जिसकी उपस्थिति होने पर सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है अधिनियम में कार्रवाई की सदस्य संख्या संबंधी निम्न नियम जो है वो बनाए गए हैं पहला कि अंतर नियम में लिखी कार्रवाई संख्या यदि अंतर नियमित में कार्यवाही संख्या के संबंध में व्यवस्थित नहीं है तो सार्वजनिक कंपनी में व्यक्तिगत रूप से पाँच व्यक्ति या निजी कंपनी में व्यक्तिगत रूप से दो व्यक्ति जो है वो कम से कम उपस्थित हों तभी जो है उसकी कोरम होगा उस मीटिंग का पूरा और उपस्थित व्यक्ति कारवाही संख्या में के लिए नहीं गिना जाएगा कि जो पतिपुरुष है या जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के तो वो उसमें काउंट नहीं होंगे और यदि कंपनी दूसरी कंपनी की अंशधारी है तो प्रथम कंपनी की प्रतिदिन कार्रवाई संख्या में नहीं गिनी जाएगी और कंपनी की सभा के लिए निश्चित समय के आधा घंटे के अंदर यदि संख्या पूरी नहीं होती है तो वो मीटिंग जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है मीन्स के कंपनी का कोई मीटिंग का कोरम जो है मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं जिसको अपन कोरम बोलते हैं अब उन्होंने बोला कि सभा के, के मिनट्स क्या होंगे मीटिंग्स के तो उन्होंने बोला कि जो कंपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है तो उसमें उन्हीं प्रस्तावों को शामिल किया जाता है जो वास्तव में प्रस्ताव पारित किए गए हैं इसमें प्रस्ताव को स्वीकार करने के पूर्व बाद विवाद अभिलेख करना आवश्यक नहीं है और उसमें जो मिनट्स मीन्स जो जो उसमें मुद्दे डिसाइड किए गए हैं उनको मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं कि जो जो मुद्दे जो हैं वो सुलझाए गए हैं उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं तो इस तरह से जो है ये पूरी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की गई तो इस तरह से ये व्याख्यान नंबर सात जो है वो कंप्लीट होता है जिसमें पूरी मीटिंग के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई अब अगले व्याख्यान में निम्न विषय पर चर्चा करेंगे कि कंपनी का उत्पीड़न क्या होता है और कुप्रबंधन क्या होता है तो इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे धन्यवाद Hello, I am Shikha Dixit. I teach psychology and I am with the Department of Humanities and Social Sciences at IIT Kanpur. Today I am going to talk about what is social cognition. Social cognition is a research area in psychology which explicates the various cognitive processes that people employ to understand the social world. So, essentially, it is about Sense making of the social world, which involves understanding other people as well as understanding oneself. Understanding others requires understanding their traits, their internal tendencies, their contextual aspects, motives, feelings, emotions, etc. So, as we can see, uh, this is a very complex process and requires a massive amount of information processing. Even for small decisions, for simple decisions, people have to process a large amount of information. The main uh, perspective or the approach which is used in social cognition is obviously the cognitive approach, and which is the study of mental structures and processes. The main paradigm which is used is the information processing paradigm as far as the range of topics in social uh, cognition is concerned the range is very wide from individual level sense making to collective sense making as far as views of cognitive sense making are concerned there are three major dominant views in social cognition the naive scientist view the cognitive miser view and the motivated tactician view the naive scientist view emerged from research done in causal attribution, and this refers to detailed and systematic processing of information and sense making in the social world. However, it is not always, is not always possible to make detailed uh, cognitive, to engage in detailed cognitive processing, and hence people act as cognitive misers in many situations. So, whenever there is lack of time, and cognitive effort is less then people involve in uh, using certain strategies which which are functional yet they are like mental shortcuts so this is the cognitive miser approach however the question that comes to the fore is that which one of the two strategies is more important the answer is provided by the motivated tactician view and according to this view, people can either use the knife scientist approach or the cognitive mis miser approach as and when required, and they can switch over between the two approaches when required. So, these are the three major views which are utilized to understand cognitive sense making. The topics that uh, co social cognition covers. Uh, ranges from uh, cognitive social cognition to social social cognition. So, topics such as causal attribution, understanding of attitudes, social schemas, unconscious cognition about social situations, the use of mental shortcuts or heuristics in decision making, social uh, social identity, and stereotypings. Uh, stereotyping processes are some of the topics. In addition to this, a large number of social cognitive psychologists also understand collective sense making in terms of social representations.